जब नीतीश कुमार जी सदन भी और सदन के बाहर भी लगातार जाति जनगणना उनका एक अंतिम कार्ड है नीतीश जी के लिए, राजनीति की जब करवट बदली जाएगी तो उसमें जाति जनगणना विशेष राज्य विशेष पैकेज मुद्दा होगा। तो जब वो कह ही दिए हैं ये जो नवसिक्खु अनुकंपा पर जो जिनको राजनीतिक नवसिक्खु और जिन्हें संघर्ष का पता नहीं, गया से 1 किलोमीटर साइकिल से नहीं चल पाए, रथ नहीं चल पाई, 10 मिनट धूप में खड़े होने की हिम्मत और क्षमता नहीं, जनता को इतना बड़ा झूठ अमित शाह जी ने तो जुमला स्वीकार कर लिया, जुमला था, लगातार झूठ पे झूठ। तो मेरा 5 सवाल दोनों आदमी से है। पहला सवाल है कि लालू यादव जी हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे, देवेगौड़ा और गुजराल जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया और बिहार में भी लालू यादव जी की सरकार थी, तो जाति जनगणना किसने रोका? उस वक्त ना तो बीजेपी की सरकार थी ना कोई और थी। लालू यादव जी 10 साल कांग्रेस के साथ 5 साल रेल मिनिस्टर है, इनकी सरकार थी। उस वक्त जाति जनगणना विशेष राज और विशेष पैकेज क्यों नहीं ले पाए? इसका मतलब है कि आप लोग जनता के मुद्दे को जब अपनी बारी आती है तो नहीं करना चाहते। और फिर उसका राजनीतिकरण का लाभ लेना चाहते हैं। कब तक झूठ फरेब ठग लोग जनता को भरमाएंगे? तीसरी चीज, नीतीश कुमार जी बीपी सिंह के समय में भी मिनिस्टर थे और अटल जी के साथ भी मिनिस्टर थे। आचार सही करेंगे मैं तो आज घोषणा करिए कि हमारी पार्टी बिहार में जाति जनगणना होते ही अत्यंत पिछड़ा और दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश जी कहे ना कुर्मी समाज से ज्यादा कुशवाहा की जनसंख्या है, तो घोषणा करिए कुशवाहा मुख्यमंत्री हो। घोषणा करे तेजस्वी जी कुशवाहा, यानी तो किसी अत्यंत पिछड़ा या दलित में से अल्पसंख्यक में से मुख्यमंत्री हो। है तो 19% अल्पसंख्यक यहाँ, है तो 27% यहाँ दलित, घोषणा करी। जाति जनगणना सिर्फ राजनीति के लिए या उन जातियों के मुनाफे के लिए? क्या जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू करेंगे आप? पप्पू यादव आएगा तो याद रखिएगा, एजुकेशन और हेल्थ जैसे मुद्दों में जाति नहीं रख, ये बहुत क्लियर समझ। लेकिन राजनीति में और आरक्षण में यदि 85% में अत्यंत पिछड़ा दलित ज्यादा है तो उसको कुर्मी या यादव इनसे ज्यादा आरक्षण में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।